हेलो फ्रेंड्स, सोलर टेक्निशियन में आपका स्वागत है। मैं विशाल आनंद आज आपको हाइड्रोल कंपनी का सोलर पिलर लैंप दिखाने वाला हूं, जो कि देखिए देखने में कुछ इस तरह का होता है। ऊपर में देखिए ये सोलर पैनल लगे हुए हैं और यहां पे देखिए डिफ्यूज़र लगे हुए हैं। इसी के अंदर सारा सिस्टम इनबिल्ट किया हुआ है। इसके अंदर बैटरी भी लगी हुई है और इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन वाला सर्किट भी लगा हुआ है। ये देखिए, इसमें किसी तरह की वायरिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके ऊपर यहाँ पे सोलर पैनल लगे हैं, ये मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल हैं। चलिए अब इसके स्पेसिफिकेशन की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम लोग इसको ऑपरेट करा के देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो इसका देखते हैं इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन क्या है, पहले समझते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, स्पेसिफिकेशन यहाँ मेंशन कर रखा है। सोलर पैनल टाइप जो है इसमें मोनोक्रिस्टलाइन लगा हुआ है। सोलर पैनल है 5 वोल्ट 8 वाट का। LED चिप जो है इसमें 30-30 SMD चिप लगा हुआ है। LED क्वांटिटी 20 LED लगे हुए हैं और वाटेज जो है टोटल ये 10 वाट का है। इसमें देखिए बैटरी जो लगा हुआ है 3.7 वोल्ट में 6 AH की लगी हुई है। वर्किंग मोड जो है ये 3 मोड में काम करता है, कूल वाइट, वार्म वाइट एंड वाइट। और वर्किंग टाइम जो है 2 से 3 दिन का है। चार्जिंग टाइम 8 घंटे इसमें लगता है और ये वाटर प्रूफ है, IP65 बेस्ड है और वारंटी जो इसमें मिलती है आपको 1 साल की मिलती है। तो इसमें सबसे अच्छी बात जो है, इसको आप कहीं भी माउंट कर सकते हैं, इसमें अलग से वायरिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें देखिए 3 होल भी दिए हुए हैं। इसमें आप जो है फास्टनर लगा के इसको कहीं भी कस सकते हैं। तो फास्टनर जो है आपको इस डब्बे के साथ ही मिल जाता है कहीं पे माउंट करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये आपको मिल चुका है, ये काफ़ी बेहतर क्वालिटी का है। और इसके साथ एक यहाँ पे यूज़र मैनुअल भी मिलता है, इसमें सारा कुछ मेंशन होता है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें स्विच यहाँ पीछे लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, इसी से ये ऑन ऑफ होता है और इसका कलर भी चेंज होता है। इसमें जो है डस्ट टू डाउन फंक्शन है, यानी रात होते ही ये ऑटोमेटिक काम करने लगता है, दिन में ये बंद हो जाता है। ब्राइटनेस जो है इसका 100% रहता है 1 से 4 घंटे के लिए, 50% 5 से 8 घंटे के लिए और 30% जो है 9 से 12 घंटा के लिए, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है। लेकिन इसको लगाने से पहले ज़रूर ध्यान रखें कि स्विच को ऑन कर लें, क्योंकि माउंट कर देने के बाद जो है इसको खोलना थोड़ा कठिन हो जाएगा। और मॉइस्चर फ्री वाला एरिया में लगाएँ, नहीं तो मॉइस्चर इसमें नीचे से जाने का चांसेस हो जाते हैं। और ये जो है आप इसको किसी पिलर के ऊपर भी माउंट कर सकते हैं या फिर अपने दरवाजे के आगे इसको माउंट कर सकते हैं, जहाँ पे सनलाइट प्रॉपर आती हो, किसी प्रकार का शैडो ना हो, वहाँ पे आप इसको माउंट कीजिए। चलिए मैं आपको इसका लाइट भी टेस्ट करवा के दिखाता हूँ कि कैसी इसकी रोशनी है। फ्रेंड देखिए, इस लाइट को ऑन करने के लिए इस स्विच को प्रेस करना पड़ेगा। पहली बार जब इसको प्रेस करेंगे तो वाइट कलर की लाइट जलेगी, फिर दूसरी बार प्रेस करेंगे तो वार्म वाइट कलर की लाइट जलेगी, ये देखिए वार्म वाइट हो गया, और तीसरी बार जब प्रेस करेंगे तो कूल वाइट कलर की लाइट जलेगी, और एक बार और जब प्रेस करते हैं तो देखिए ये ऑफ हो जाएगी। तो इसकी रोशनी जो है देखिए काफ़ी बेहतर है, ये आपको दिख रहा होगा, रोशनी देखिए काफ़ी अधिक कर रहा है। तो इस तरह से जो है आप इस पिलर लैंप को घर के आगे लगा के डेकोरेट कर सकते हैं, बिना बिजली के आप इसको जला सकते हैं। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सोलर टेक इंसाइडर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो सोलर एनर्जी में इंटरेस्ट रखते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।